छत्तीसगढ़ के अशोका हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के पश्चात लाखों रुपए की ठगी एवं पीड़ित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जब पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत सरगुजा रेंज के आईजी को लिखित में भी दी गई। पीड़ित के 7 लाखों रुपए की ठगी की कोई रसीद नहीं दी गई। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट संस्था अपनी मनमानी करने से लाचार हो चुकी है। जबकि इस विषय को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को कड़ा एक्शन लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए एवं प्राइवेट संस्था पर लगाम लगानी चाहिए अपनी हरकतों से, ताकि वे अपनी हरकतों से बाज जाए। पैसे कमाने का जरिया ऑपरेशन बन चुका है। डॉक्टर द्वारा कोई भी बहाना बनाकर कहा जाता है कि गर्भवती महिला और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को खतरा है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। पीड़ित क्या करे, उसे इतना भयभीत कर दिया जाता है कि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर द्वारा फॉर्म भरकर अनाप शनाप बिल बनाकर दे दिया जाता है। लेकिन अब तो मारपीट करने पर उतारू हो चुके हैं। शासन प्रशासन के लिए एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।